खबर शामिल करते हैं मीरपुर मथेलो से। महकमा इनहार के अफसरान ने अदालती अहकामात पर अमल करने की बजाय 2 एकड़ सरकारी जमीन लाखों रुपए की रिश्वत के एवज करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी राजी फरोख्त करने का इंकशाफ आज शिपाल यूनियन के रहनुमा अब्दुल कद्दूस कलाची की जानिब एसडीओ आपाशी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज मजदूरों की हकीकी तंजीम उल शिबाज एरीगेशन यूनियन के मरकजी रहनुमा अब्दुल कद्दूस कलाची ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया है कि महकमा इनहार के अफसरान ने एमएडआर डी स्लेटिंग की मद में बगैर किसी काम करवाने के अरबों रुपए की करप्शन करने के बावजूद पेट भर नहीं सका है। इनका मजीद कहना था कि अब तो महकमा इनहार के अफसरान की करप्शन की तमाम हदूद पार करते हुए महकमा इनहार की सरकारी राजी कब्जा माफिया को लाखों रुपए की रिश्वत के एवज फरोख्त करना शुरू कर दी है जो करप्शन की इंतहा है। अब्दुल कद्दूस कलाची का कहना था कि एसटीओ आपाशी सचल नाइश ने आला अफसरान की मिली भगत से करोड़ों रुपए की मालियत की 2 एकड़ सरकारी राजी RD 74 के करीब कब्जा माफिया को लाखों रुपए में फरोख्त कर दी है, जिसके खिलाफ कल से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं। जहीन अहमद कलाची, डिप्टी ब्यूरो चीफ, मीरपुर मथेलो।